तब फिर से आपका वेलकम करते हैं। और आजकल चल रहा है लॉकडाउन, तो इसी दौरान जब मैं अपनी पुरानी किताबों को देख रहा हूँ अपनी बुक सेल में, तो इस बार फिर से मुझे जो है दिसंबर महीने की विज्ञान प्रगति मिली। ठीक है, विज्ञान प्रगति मुझे मिली तो दिसंबर महीने की है, दिसंबर नहीं सॉरी फरवरी महीने की है, फेव की मंथ की है। इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ये मैगज़ीन। हर महीने आती है, मंथली मैगज़ीन आती है, 30 रुपीज़ इसका प्राइस रहता है। साइंस से रिलेटेड हर जानकारी आपको इसमें मिलेगी, कोई नई इन्वेंशन इंडिया में क्या हुई है, विदेश में क्या नई खोजें हुई हैं साइंस से संबंधित, इस मैगज़ीन में आपको वो जानकारी मिलती है। इसमें इसके अलावा बेहतरीन क्वेश्चंस रहते हैं। आज यहाँ पे एक साइंस ओलंपियाड का पोर्शन मैंने लिया है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा वन दरोगा के लिए और ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आज ओलंपियाड में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक CFL, जो CFL होता है ये बल्बिंग के लिए, आप मुझे कमेंट में CFL की फुल फॉर्म बताएंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप मुझे कमेंट में जाके CFL की फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या होती है। ठीक है, जैसे LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, वैसे CFL की भी कुछ होती है, आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक CFL पर 9 वाट लिखा हुआ है, एक CFL पे 9 वाट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर किसी भी CFL पे कुछ वाट लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक घंटे में वो जो CFL है वो 9 वाट जूल एनर्जी क्या करेगा, खर्च करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के अगर किसी CFL पे 5 वाट लिखा है तो मतलब एक घंटे में वो CFL 5 वाट की विद्युत एनर्जी, 5 वाट की एनर्जी क्या करेगा, खर्च करेगा। तो मतलब वाट दिखाता है कि वो बल्ब या वो अप्लाइंस पर आर में कितनी एनर्जी को खर्च करता है। सेकंड देखिए कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट क्या क्या हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, SI यूनिट क्या है, वाट है। क्या है, वाट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी यूनिट होती हैं जैसे कि हॉर्स पावर। क्या हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट, ये वाट से थोड़ा सा बड़ी यूनिट होती है। हॉर्स पावर से एक और बड़ी यूनिट होती है वो किलो वाट होती है। क्या होती है, किलो वाट, एक किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की जो शक्ति होती है उसकी कई सारी यूनिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक घरेलू विद्युत कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता की बिजली की फिटिंग पूर्ण है, कंप्लीट है, का एक प्रमाण पत्र राशि के साथ जमा करना होता है, इस प्रमाण पत्र को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को कहा जाता है क्या, एल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एल फॉर्म इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल विद्युत पोल से मीटर तक आर्म्ड केबल लगाने का मुख्य का उद्देश्य क्या है। तो विद्युत पोल से मीटर तक जो केबल लगी होती है उसका मुख्य कार्य है केबल को, जो केबल है हमारी उसको मजबूती प्रदान करना, ताकि वो गिरे ना, टूटे ना, उसके लिए उसको क्या किया जाता है, मजबूती प्रदान करने के लिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इनमें जो आर्म्ड पोल लगे होते हैं वो उस पोल को विद्युत, वो जो है प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर मजबूती देने के लिए लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में मीटर का क्या कार्य होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मीटर लगा होता है उसका मेन कार्य होता है जो कितनी एनर्जी, कितनी बिजली हमने खर्च की है, तो खर्च की गणना करना, यानी कितने एनर्जी हमने खर्च की है, ये कौन बताता है, हमारा मीटर बताता है, कितनी यूनिट हमने खर्च की है, वो सब काम किसका होता है, विद्युत मीटर का होता है। नेक्स्ट देखिए, ये शुष्क सेल, जो ड्राई सेल होते हैं, ठीक है, जो बटन सेल होते हैं, ड्राई सेल में प्रयुक्त रसायन है, तो ड्राई सेल में जो केमिकल कौन सा यूज होता है, तो ड्राई सेल में कौन केमिकल होता है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl का यहाँ पे केमिकल के रूप में यूज होता है। आपको पता है कि ड्राई सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। आप मुझे बताएंगे कि ड्राई सेल में ये 3 केमिकल यूज होते हैं, इनमें से एनोड का काम करता है और कौन कैथोड का काम करता है, ये आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे, ये मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल से प्राप्त होने वाली धारा
विद्युत धारा होती है। तो सेल से हमें कौन सी धारा, कौन सा करंट मिलता है, एसी करंट, डीसी करंट या कुछ और? तो सेल से, जो इलेक्ट्रिक सेल से जो करंट मिलता है वो करंट का टाइप होता है दिष्ट धारा, यानी कि डीसी करंट। कौन सी करंट? डीसी करंट हमें सेल से मिलता है। ठीक है, दो तरह की करंट होती है, एक को हम एसी करंट बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। एसी करंट की खास बात होती है कि एसी करंट क्या करता है, हमेशा इस फॉर्म में चलता है, अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को करंट टाइम के साथ उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, जबकि जो डीसी करंट है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो ये एसी करंट हो गया, ये डीसी करंट हो गया। ठीक है, तो सेल से हमें हमेशा याद रखें, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, विद्युत सेल होता है, उससे हमें दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा, हमारे घरों में जो विद्युत करंट आती है, इलेक्ट्रिक करंट आती है, वो कौन सी है, एसी है या डीसी है? देखिए, हमारे घरों में यूज होने वाली जो करंट है वो कौन सी है, डीसी करंट है, सॉरी एसी करंट है। कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा है, एसी करंट है। याद रखें, हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा जो हमारे पावर हाउसेस से आती हैं, विद्युत गृहों से आती हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, एसी करंट है, अल्टरनेट करंट है। जबकि सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से जो करंट मिलता है वो डीसी करंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर होते हैं, इनमें से सेमी कंडक्टर कौन है? तो देखिए, लोहा यानी आयरन और सिल्वर तो सेमी कंडक्टर नहीं, ये तो कंडक्टर है क्योंकि ये मेटल है। चांदी व सिलिकन, चांदी तो मेटल है, सिलिकन जो है सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तांबा, कॉपर और जर्मेनियम, तांबा तो कंडक्टर है लेकिन ये वो है सेमी कंडक्टर। तो क्या है, कौन सा पेयर है सेमी कंडक्टर का? जर्मेनियम और सिलिकन जो है दोनों के दोनों सेमी कंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं। सेमी कंडक्टर आपको पता है वो सेमी उनको बोलते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता कंडक्टर से कम यानी चालक पदार्थों से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा यानी कुचालक पदार्थों से ज़्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। यानी जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच की होती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि किन में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, कंडक्टर में या सेमी कंडक्टर में? तो हमेशा जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो कंडक्टर में सेमी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं जबकि सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेमी कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टरों में ताप का मान बढ़ाने पर, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर, ताप का मान बढ़ाने पर उनका जो कंडक्टिविटी है, उनकी चालकता बढ़ती है। ध्यान रखें, जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें ताप का मान बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी, उनकी चालकता बढ़ती है। जबकि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों की चालकता ताप के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से हमेशा घटती है। ठीक है, याद रखें आप इस बात को। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक चालक, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है विद्युत का? सबको ही पता है जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। आपके लिए HW ये है कि आप मुझे चांदी का सिंबल क्या होता है, इसे किस, इसका सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और ये कौन से ग्रुप से आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। पी इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। ठीक है, तो कितना कार्य करते हैं पर यूनिट टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को P से इंडिकेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वर्क बटे टाइम, ऊर्जा बटे समय। ठीक है, और कार्य बटे समय सॉरी, और पावर का फॉर्मूला, यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है? वॉट इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इसके अलावा दो तीन और भी होती हैं, हॉर्स पावर भी होती है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, जबकि एक किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट के आसपास होते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो किलो वॉट भी होता है इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक, वॉट भी होता है अभी मैंने बताया था, और जूल पर सेकंड भी होता है। तो ये सभी के सभी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती हैं, यूनिट होती है। अरे, एक क्वेश्चन कम हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कम हो गया, इसको कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैगजीन ज़रूर पढ़ें और पढ़ते रहें, अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।